कांग्रेस पर भारी पड़े। बहुमत से जो आएगी ना मोदी सरकार ही आएगी। प्रधानमंत्री मिला है जो हमारे देश के लिए इतने निस्वार है, समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और आप देख रहे हैं JK 24x7 न्यूज। बेहद खास कार्यक्रम 2024 की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये लोगों से जानेंगे और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए लोकसभा चुनाव हैं उनमें भारी पड़ने वाला है, इन तमाम बारे में लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के कटोरा तालाब में, काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पर देख सकते हैं चौपाटी है, यहाँ तमाम प्रकार के यहाँ पर डिश आपको खाने को मिल जाएगा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर शाम को अधिकांशतः यहाँ पर आया करते हैं और काफ़ी लंबी भीड़ देर रात तक यहाँ पर रहती है। तो हम जानेंगे 2024 के जो चुनाव होने हैं उस पर कौन मुद्दे इस बार जो है भारी पड़ने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे हम लोग जानेंगे। दादा सबसे पहले बताइए 2024 के जो चुनाव होने हैं है ना, तो कौन सा जो मुद्दा है इस बार भारी पड़ेगा और कौन भारी पड़ने वाला है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो गारंटी देते हैं, विश्वासपूर्वक देते हैं और उनकी गारंटी सब जगह अमल होती है और उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा सुंदर चल रहा है, इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो है उनकी गारंटी जो है कांग्रेस पर भारी पड़ेगी और 24 में उनका चुनाव और तेज़ी से आगे आएगा और पूरी सीटें लेकर के आएंगे। जैसे अब की 3 जगह से सीटें उनकी आई हैं, मैं तो कहता हूं उनकी हर जगह उन्हीं भारत में पूरा जो है उनका एकटंक राज होगा। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ही फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे, ऐसा क्यों लगता है जी? ऐसा इसलिए लगता है कि उनके पास उनका जो है नज़रिया जो है अति उत्तम है। हर जगह हर गरीब अमीर का विकास चाहते हैं और सभी के साथ रह करके उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं गरीबों अमीरों के साथ वो सराहनीय है। ये इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? गठबंधन का कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि मोदी जैसे कोई अभी भारत में वैसे नहीं है। हाँ तो बहुत मतलब उतने दिमागदार नहीं है कि जितना ये अपना सोच रहे हैं कि हमको भारत के विषय में क्या है और क्या करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। मशीनी युग कुछ किसी प्रकार का मतलब जो है पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जो है अच्छा होगा। तो ये अलग अलग राय है लोगों की और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। एक युवा साथी हैं, सबसे बताइए आप क्या करते हैं सबसे पहले आप? जी मैं जॉब करता हूँ। है ना, किस फील्ड में जॉब करते हैं आप? बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। 2024 में कौन भारी पड़ने वाला है, कैसे देख रहे हैं? कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। देखिए भारी का तो मेरे को नहीं पता, बट अभी एक जो नतीजे आए हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से वो पूरे पूरे फेवर में है, पूरे स्थायी रूप से फेवर में। तो देखो भाजपा चाहे वो मोदी का चेहरा लेकर हो चाहे कुछ भी चेहरा, उनकी वर्क कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में जो आने वाले हैं ना वो तो जाहिर सी बात है बहुमत से जो आएगी ना वो मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि हम भी जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर 100 का आंकड़ा देखे तो 100 के आंकड़े में कम से कम 75 से 80% लोग जो हैं वो मोदी के सपोर्टर हैं। तो किसी भी, ये तो सिर्फ मैं एक छत्तीसगढ़ राज्य का बताया, अगर आप अलग अलग राज्य किसी भी राज्य का आप देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो लोकसभा चुनाव में भाजपा में मोदी के ही चेहरा आएगा। ये युवा साथी थे, उन्होंने कहा है कि 2024 के लोग जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें फिर से मोदी का जो जादू है फिर से चलेगा और यहाँ पर कुछ साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर सबसे बताइए पहले क्या करते हैं आप? मैं कैनन कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं कंप्लीट छत्तीसगढ़ हेड हूँ यहाँ पे। तो 2024 के चुनाव जो होने हैं कुछ ही समय बचे हैं, तैयारियाँ जोरों से हैं, तो जिस तरीके से मोदी का जादू चल रहा है पूरे देश में, तो क्या लगता है कि फिर से लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चलेगा इस बार? एक्चुअली देखिए इट्स नॉट अबाउट ओनली मोदी, जो अच्छा काम करेगा और जो देश को बढ़ाएगा और आज जो युवा पीढ़ी जो युवा को इंस्पिरेशन मिल रही है, जो रोल मॉडल सेट हुआ, ही इज़ अराउंड 65 प्लस और जिस लेवल पर वो एफर्ट लगाते हैं, जिस वे में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिकमेंडेबल है और आज के एड में उस लेवल में काम करना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एक यंग मिनिस्टर के लिए भी। तो एक ऐसा रोल मॉडल
जो एक ऐसा कैप्टन आपके पास ऐसा हो जो ऑलरेडी एक फ्रंट से लीड कर रहा हो और कंट्री को एक अलग मुकाम में लेके जा रहा, तो डेफिनेटली वो 100% उनका आना तय है इस बार। और आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उनका प्राइवेटाइजेशन में ही फोकस है, एम्प्लॉयमेंट में ही फोकस है, पैरेलली बहुत इक्वल फॉर्म पे, जैसे आप एग्जांपल लेंगे 22nd ऑफ जनवरी या 20th ऑफ जनवरी को अयोध्या का जो पूजा होने वाली है, तो ये अचीवमेंट से, ये जो अचीवमेंट है ये मतलब ऐसा है कि कोई कर ही नहीं सकता था, इतने समय से हम डिस्कशन कर रहे थे बट नोबडी डिड इट। तो ये बहुत बड़ा रोल मॉडल सेट करके जा रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और हम चाहेंगे कि इंडिया बींग अ भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे, और हम चाहते हैं बींग अ इंडियन कि हमारा जो देश है और हमारा देश का जो तिरंगा है वो हमेशा लहराता रहे। कुछ साथी हम उनसे भी बात करेंगे, बस चंद समय बचे हैं, तैयारियां जोरों से हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले ये बताइए करते क्या हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं सर, क्या लगता है कि 2024 में किसका माहौल है इस बार? माहौल नरेंद्र मोदी का माहौल है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको, उन्हीं का माहौल है? लगता है नहीं, अब भाई देश का विकास जो जिस गतिविधि से ले जा रहा है तो कोई तो नेता चाहिए जो देश के लिए करे, बाकी तो अपने लिए ही करते हैं। एक ऐसा है नेता हमको प्रधानमंत्री मिला है जो हमारे देश के लिए इतने निस्वार है, समर्पित है और देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, इसमें हमारे आगे का जनरेशन का भविष्य छुपा हुआ है, तो देश विकास की ओर तो हर देशवासी सोचता है, देश विकास करेगा सब पब्लिक विकास करेगा, जनता विकास करेगी, है ना, तो देश के विकास में ही सबका विकास है, तो ऐसा विकास करने वाले नेता जो विकसित भारत का सपना देख रहा है तो हम जनता का भी कर्तव्य है हम लोग भी विकसित भारत का सपना देखें। जो करारी हार कांग्रेस को मिली है तो क्या वजह मानते हैं? करारी हार का तो वजह की कमी नहीं है, पीएससी घोटाला और घोटाला ही घोटाला है, पूरा गोबर तक को नहीं छोड़े है, गोबर घोटाला किए हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता क्या माफ करेगी उसको? उससे बहुत अपेक्षा था, भूपेश बघेल एक अच्छा नेता है करके सबको आशा था, एक छत्तीसगढ़िया आदमी को नेता चुना है, मुख्यमंत्री है, और इससे और बहुत खुश थी जनता की, पूरे छत्तीसगढ़िया पूरा उसके मंत्री है, कैबिनेट है, तो लोगों को बहुत आशा था उससे कि छत्तीसगढ़ को एक नया डेवलपमेंट करेगा, एक नया विचारधारा लाएगा, छत्तीसगढ़िया का मतलब कुछ वजूद बढ़ाएगा, बहुत आशा थी, अब वो आशा में जरा भी खरा नहीं उतर पाए, नरवा गरवा घुरवा बारी बोले लेकिन कोई नरवा में डेवलप नहीं है, न गरवा नहीं है, गरवा को उठा के तो पैसे के ले जा रहे हैं गली। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं देश में एक ही जाति है वो भी है गरीब, इसको कैसे देख रहे हैं आप? गरीब का मतलब तो सभी गरीब ही है सर, गरीब है वो लोग कमाई से परेशान है और जो अमीर है वो लोग टैक्स से परेशान है, तो सभी तो गरीब ही है हमारे देश में, तो इसको नया गतिविधि दे तभी हमारा देश अमीर बनेगा, तो इसके लिए मोदी ही दिखता है और कोई नेता दिखता ही नहीं। और कुछ लोग हमसे भी जानेंगे, दादा बुजुर्ग हैं आप, क्या अपेक्षा करते हैं 2024 के माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? अब सुखमय देखेंगे जी उनको, समझ गए, अब मोदी जी का लोकसभा में बहुमत आएगा कि नहीं आएगा वो जनता के ऊपर निर्भर है। क्यों? कि कई प्रकार से उनको उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसने भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, अब लोकतंत्र ही उनको स्वीकारेगा तो बहुत अच्छा है। तो क्या अपेक्षा करेंगे 2024 के जो चुनाव होने हैं उस पर क्या अपेक्षा करेंगे, क्या मुद्दा होना चाहिए आपके लिए प्रमुख से? प्रमुख मुद्दा ये होना चाहिए कि खेती बाड़ी के ऊपर जो किसानों हैं 80% उनको पहले देखना है, उनकी गरीबी, उनकी कर्ज, उनकी मकान, उनकी रहन सहन, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके प्रति विशेष ध्यान दे मोदी जी तो लोकसभा में बहुमत ला सकता है, नहीं तो फिर जैसा अभी कांग्रेस आया, कांग्रेस ने विशेष ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम क्या मिला उनको? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों का वाणी को सुनते हुए उनके वचन को निभाते हुए इन लोग चलेंगे नेता लोग तो राज करेंगे, नहीं तो चले जाएंगे।
तो ये थे कि अलग अलग यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग राय है, और कुछ यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं उनसे भी बात करेंगे। दादा सबसे बताइए कि 2024 का जो माहौल है वो किसकी तरफ जा रहा है इस बार? मोदी की तरफ। क्यों ऐसा लगता है जो 2024 हो गया तो माहौल उसकी तरफ जा रहा है? इसलिए है कि जो उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ, वही करेगा जो कुछ करेगा, मोदी करेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन बना है, काफी जोर का वो लोग एडी का जोर लगा रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनकी फूटन चालू हो गई। ऐसा क्यों लगता है आपको? फूटन रहेगी, बचेगी नहीं। हाँ, जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो 2024 में और आने वाले समय में क्या अपेक्षा करना चाहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? अपेक्षा जो अभी यहाँ सरकार है, इनको कर्मचारियों को लेके चलें। हाँ, उनके साथ में लेके चलेंगे तो आगे बाय बाय रहेगी। हाँ, नहीं तो जैसे अभी कर्मचारियों ने डा दिया ऐसे ही फिर डा जाएंगे। हाँ, कर्मचारियों को सुने बस वही है कि आटा तेल कपड़ा ये सब सस्ता कर दें मोदी तो बाय बाय है, अगर यही चीज़ महंगी रहेगी ना तो टाइटा हो जाए फिर। ये हिंदू आने वाले समय में सनातन और हिंदुत्व को लेकर के 2024 के जो उस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला, 2024 के चुनाव होंगे उसमें हिंदुत्व रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं रहेगा, रहेगा वो तो रहेगा, हिंदुत्व रहेगा, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। हाँ, इसमें कोई वो जरा नहीं। तो और कुछ साथी हैं युवा, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अलग अलग लोग हैं, अलग तरह के बातें कहे हैं, कहीं पर हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, कहीं रोजगार के मुद्दे होना चाहिए, और कुछ साथी उनसे भी बात करेंगे। सबसे बताइए कि क्या करते हैं आप, क्या नाम है मेरा? सर मेडिकल शॉप है जी, जी गणेश सिन्हा नाम है मेरा। हाँ, गणेश जी बताइए कि 2024 को अब चंद ही समय बचे हैं, तैयारियाँ जोरों से है, तो क्या लगता है कि किसका जादू इस बार चलने वाला है? जादू सर ऐसा है कि देखो अभी जनता चुन के भेजती है सांसदों को विपक्ष में उनका सवाल उठाने के लिए। हाँ, अभी मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि सांसदों को ही निष्कासित कर दे रहे हैं। हाँ, विपक्ष का आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। हाँ, संसद में अकेला मोदी जी बैठूंगा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये गलत चीज़ें हैं। हाँ, इनको ना मोदी जी को सुधारना चाहिए, कम से कम लोगों में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे चल के अब जनता के मुद्दों को कौन उठाएंगे? सारे सांसद को निष्कासित कर दिए जाओगे तो जनता के मुद्दे को सवाल पूछने वाला कौन रहेगा? अभी आप देखो 146 सांसद को निष्कासित कर दिया, ये मेरे को लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं। मैं भी मोदी का समर्थन करता हूँ, मैंने भी वोट किया था उनको पिछले बार, मोदी जी के लिए वोट किया था। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो गलत लगती है हमको भी। अभी जैसे साक्षी मलिक का जो हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट थी, कितने साल से वो मतलब अभी बीच में चल रहा था उनका कि ब्रिजभूषण को हटाओ 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 करके, फिर अभी उनको फिर से वो बना दिया गया है। तो आप एक तरफ बोलते हैं कि बलात्कारियों को आप सजा देंगे और ऐसा करेंगे और बड़े संस्थाओं में आप उन्हीं को जगह दोगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ नहीं है। गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की, अगर आप उसने कल मेरे ख्याल से इस्तीफा दे दिया, खेल से इस्तीफा दे दिया, आज एक और है खिलाड़ी कोई, वो अपना पद्मश्री वापस कर दिया, तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों के बीच में गए, लोगों से जाने कि इस बार कौन किस पर पहाड़ी पड़ेगा, हर लोगों का अलग अलग यहाँ पर राय सुनने को मिला। अब ये देखना ये पड़ेगा।